हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि गुप्ता नित्या मॉम्स किचन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे मुंबई की फेमस मिसल, बहुत ही स्पाइसी, बहुत ही चटाकेदार, मुंबई का फेमस स्ट्रीट फूड और हर घर में बनने वाली रेसिपी मिसल, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल आज हम मिसल बनाएंगे। तो चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। मिसल बनाने के लिए मैंने एक पैन में सरसों का तेल ले लिया, आप जो चाहे वो तेल का यूज कर सकते हैं। सरसों का तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा फिर हम इसमें राई डालेंगे। दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है मिसल बनाने का और बहुत ही चटपटी आज हम मिसल बनाएंगे, बिल्कुल स्ट्रीट फूड स्टाइल। इसमें मैंने आधा चम्मच राई डाल दिया है और आधा चम्मच जीरा डाल दिया है। जीरा और राई को हम अच्छी तरीके से सिकने देंगे जब तक कि अच्छी तरीके से सिक ना जाए। इसके बाद हम इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे। महाराष्ट्रियन खाना है दोस्तों, तो कड़ी पत्ता तो कंपलसरी रहता है, तो इसमें हम कड़ी पत्ता भी डालेंगे। और हमें इसमें अच्छे से मैंने कड़ी पत्ता डाला है ताकि जो मिसल में कड़ी पत्ता का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छे से आ जाए। इसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्ची डाल दी और अदरक लहसुन डाल दिया है। इन सबको हम अच्छी तरीके से सेकेंगे ताकि जो अदरक लहसुन है उसका फ्लेवर अच्छी तरीके से आ जाए। मिसल में अदरक लहसुन का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों, खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। आप इस तरीके से कभी भी मिसल घर पर बना सकते हैं, जो कि एक स्ट्रीट फूड है मुंबई का और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लगती है दोस्तों। इसके बाद मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी। कश्मीरी लाल मिर्च से क्या इसका कलर अच्छा आएगा। उसके बाद मैंने इसमें प्याज डाल दिए। प्याज को हम थोड़ा सा सेकेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च के साथ हमें प्याज को सेकना है तो इसका कलर जो है बहुत अच्छा आएगा। इसके बाद मैंने इसमें टमाटर की प्यूरी डाल दी है। लगभग मैंने दो टमाटर की प्यूरी इसमें ऐड की थी। और जो प्याज की क्वांटिटी है दोस्तों, लगभग मैंने इसमें सिर्फ आधा प्याज ही ऐड किया है, प्याज हमें ज़्यादा नहीं डालना है। इस टाइम अगर आप चाहें तो नारियल का बुरादा डाल सकती हैं, जिनको थोड़ा नारियल का अगर टेस्ट पसंद हो, क्योंकि महाराष्ट्रियन रेसिपी है तो इसमें नारियल का बुरादा कंपलसरी है। तो इसके साथ हम थोड़ा सा इसमें नारियल का बुरादा ऐड कर देते हैं। इसको हम अच्छी तरीके से सिकने देंगे। जब ये थोड़ा सा सिक जाएगा इसके बाद मैंने इसमें नमक ऐड किया है। नमक के साथ हम इसमें कुछ घर के मसाले ऐड करेंगे। जैसे यहाँ मिर्ची डाली है, यहाँ मैंने लगभग एक चम्मच मिर्ची पाउडर डाला है, क्योंकि हम ज़्यादा स्पाइसी और चटपटी मिसल बना रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल, इसलिए हम इसमें लाल मिर्ची ऐड की है। कलर के लिए थोड़ा सा मैंने हल्दी पाउडर यूज़ किया है और थोड़ा सा इसमें मैंने धनिया पाउडर यूज़ किया है। इन सबको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इन मसालों को हमें अच्छी तरीके से सेकना है जब तक कि जो मसाला है वो तेल ना छोड़ दे, एकदम से तेल और मसाले एकदम अलग ना दिखने लगे। हम तब तक इस मसाले को सेकेंगे दोस्तों। बहुत ही चटपटी और बहुत ही आसान रेसिपी है। आप इस तरीके से कभी भी मिसल को घर पर बना सकते हैं। इसको हम ढककर रख देंगे लगभग 3 से 4 मिनट के लिए कि जो मसाला है वो अच्छे से तेल ना छोड़ दे। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से जो मसाला और तेल आपको अलग ही दिखाई दे रहा होगा कि जो तेल है वो ऊपर आ गया है। जो हमारी तरी है हमें वो बनाना है मिसल की। इन सबको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और मसाले को थोड़ा सा और सेकेंगे। ये मसाले को हमें अच्छी तरीके से दोस्तों इसलिए सेकना है कि जो तरी है वो तेल की जो ऊपर आने लगे, तभी दोस्तों ये आपको स्ट्रीट फूड स्टाइल में दिखेगी। इसके बाद दोस्तों मैंने इसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी डाल दिया है। थोड़ा मीन्स थोड़ा ज़्यादा ही डाला है, क्योंकि हमें इसकी तरी बनानी है। मिसल की जो तरी है वो एकदम लिक्विड होती है, तो हमें इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। आप चाहे तो ठंडा पानी डालें, लेकिन अगर आप इसमें गुनगुना पानी डालेंगे दोस्तों तो ये जो मसाले हैं वो उसमें पानी में अच्छी तरीके से घुल जाएंगे। इसमें ये देखिए दोस्तों, मैंने गुनगुना पानी ऐड कर दिया है। अब हमने इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड कर दिया है। पहले हमने जो नमक डाला था, अब नमक की हमें क्वांटिटी को ध्यान रखना है, नहीं तो नमक ज़्यादा हो जाएगा। आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। इसको हम अच्छी तरीके से बॉईल करेंगे। हमें इसको अच्छी तरीके से जब तक बॉईल करना है कि वापस से जो तेल की तरी है वो हमें इसमें दिखने ना लगे। हमें इसे ढककर बॉईल करेंगे दोस्तों। यहाँ लगभग मैंने इसको ढककर 5 मिनट के लिए हमें इसे रखना है ताकि जो पानी है वो अच्छे से उबलने ना लगे और इसमें जो तेल की जो तरी है वो हमें दिखने ना लगे। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से पानी जो उबल रहा है और आपको तरी भी इसमें दिखाई दे रही। अब इसमें मैंने स्प्राउट्स मिला दिए। इन स्प्राउट्स को मैंने दोस्तों थोड़ा सा बॉईल कर लिया था। एक सीटी में स्प्राउट अच्छे से बॉईल हो गए थे। ये देखिए जो तरी है वो बनकर हमारी तैयार हो गई है। मिसल है जो लगभग हमारी बनकर तैयार हो गई है। इसको हम थोड़ा सा और ढक देंगे। स्प्राउट आप घर पर भी बना सकते हैं। 3-4 दिन आप मूंग को अच्छे से भिगो कर रखेंगे तो स्प्राउट हो जाएंगे। इसमें मैंने 1 चम्मच मिसल पाउडर डाल दिया है। मिसल पाउडर या मिसल मसाला इसमें मैंने 1 चम्मच डाला। उसके से जो इसका टेस्ट है बहुत अच्छा आएगा। इसमें हम अच्छा सा नींबू का रस डालेंगे, क्योंकि नींबू से इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। इसलिए हमने अच्छा, क्योंकि हम ये जो मिसल है वो थोड़ी सी खट्टी अच्छी लगती है। कई लोग इसमें दही भी ऐड करते हैं, तो आप दही भी इसमें ऐड कर सकते हैं।
ये देखिए दोस्तों मैंने इसमें नींबू का रस भी मिला दिया है। हमारी जो मिसल है वो बनकर तैयार हो गई, बहुत ही चटपटी और बिल्कुल स्टीट स्टाइल हमारी जो मिसल है वो बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही लिक्विड फॉर्म में रहती है दोस्तों ये। इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे। हमारी जो मिसल है वो बनकर तैयार हो गई है, इसको थोड़ा सा हम बॉइल और कर लेंगे। इसमें मैंने हरा धनिया भी डाल दिया है। हमारी मिसल बनकर तैयार हो गई है, इसको हम अच्छे से बॉइल भी हो गई है। आप ये देखिए इसकी तरी भी अच्छे से दिखने लगी है, क्योंकि मिसल में जब तक तरी नहीं दिखेगी आपको वैसे ही मज़ा नहीं आएगा, तब तभी वो स्टीट स्टाइल में लगेगी। इसको दोस्तों हम सर्व करेंगे। इसको सर्व करने का भी दोस्तों एक अलग तरीका है। सबसे पहले हम इसकी तरी को अच्छे से कटोरी में भर लेंगे अपने इस तरीके से। ये देखिए इसके ऊपर हम मिक्स जो मिसल का नमकीन होता है, या आप मिक्स नमकीन भी इस तरीके से ले सकते हैं जिसमें गाठिया सेव सब कुछ मिक्स रहता है, वो इसमें हम मिला देंगे। इसमें वो हम अच्छे से मिलाएं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट तरी होती है, इसमें थोड़े से ही स्प्राउट डालते हैं। इसके बाद मैंने इसमें प्याज डाल दिया है और हरा धनिया डाल दिया। ये देखिए हमारी जो स्ट्रीट स्टाइल मिसल है वो बनकर तैयार हो गई, बहुत ही चटपटी झणझणित मिसल, जिसे हम मुंबई के स्टाइल में कहते हैं झणझणित, जो हमारी मिसल है वो बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए दोस्तों हमारी मिसल बनकर तैयार है। आप बनाएं और मुझे अपना रिव्यू जरूर दें, कमेंट भी जरूर करें। ये देखिए हम मिसल, हम इसको सर्व करेंगे। मिसल को हम पाव के साथ सर्व करेंगे। इसके साथ मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा नमकीन रख दिया और इसके साथ प्याज और नींबू रखेंगे। हमारी जो मिसल बनकर तैयार हो गई, इस तरीके से बनाइए और अपना रिव्यू मुझे बताइए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। रेसिपी पसंद आई हो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड के साथ। पसंद ना आई हो दोस्तों तो डिसलाइक भी करें। थैंक यू।